व्हाइट टाउन ऑल्सो नोन एज फ्रेंच टाउन जो पॉन्डिचेरी का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ के सारे घर ब्राइट येलो एंड व्हाइट कलर के हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। व्हाइट टाउन जाना जाता है उसके रेस्टोरेंट एंड कैफेज के लिए। तो मुझसे में से एक मोस्ट पॉपुलर कैफे में गए नोन एज कैफे दी आर्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन क्लोज था तो हमने बाहर ही पिक्चर्स क्लिक किए। हम गए औरबिंद आश्रम विच इज स्पिरिचुअल पैराडाइज इन पॉन्डिचेरी। वहाँ का माहौल काफ़ी पीसफुल है एंड अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हम सब ने फिर लंच किया एट आनंद भवन एंड आई हैड अ नॉर्थ इंडियन थाली। तो गाइस हम आ चुके हैं चिनम्बर बोट हाउस जहाँ से हमने फेरी राइड बुक किया है जो है 354 रुपीज पर हेड फॉर वन राउंड ट्रिप। यहाँ पे हर 30 मिनट में एक बोट आता है जो हमें पैराडाइज बीच लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। तो गाइस फाइनली आफ्टर 15 मिनट्स राइड हम पहुंच चुके हैं पैराडाइज बीच। यहाँ पे कितने सारे हट्स बने हुए हैं, बिल्कुल मालदीव जैसी फीलिंग आ रही है। डांस एंड मस्ती करने के बाद हम सब ने नारियल पानी पिया एंड वी टुक ए फेरी राइड बैक टू चिनम्बर बोट हाउस एंड यहाँ पे हमारा डे वन कंप्लीट हो गया। डे टू में सुबह सुबह हम चले गए गांधी बीच ऑल्सो नोन एज रॉक बीच। वहाँ का पानी बिल्कुल ही ब्लू कलर का था और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। हम लोग सीधा निकल गए फॉर ऑरोविल। ऑरोविल का फुल वीडियो मैंने आई पे लिंक कर दिया है, आप जाके देख सकते हो।
सो गाइस दिस इज इट, यहाँ पे हमारा पौंडीचेरी का 2 days का ट्रिप कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय।